दोस्तों मैं एक बार फिर से स्वागत हो गया आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इनपुट लाइफ हेल्थ टेक में। मेरा नाम दिन साध और आज किस नई वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले TNPL मतलब तमिलनाडु प्रीमियर लीग का मैच नंबर 3 जो कि खेला जाने वाला है SMP वर्सेस NRK के बीच में। अगर आप दोस्तों सोच रहे हैं इस मैच में अपनी फंटेसी टीम बनाने के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट वीडियोज में आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इस मैच से रिलेटेड जो कि आपको पूरी एनालिसिस मिलने वाले, पिच की कंडीशन, पिच रिपोर्ट, हिट रिकॉर्ड्स और वेनी रिकॉर्ड्स, मतलब कह ले दोस्तों यहाँ पे सारे एनालिसिस आपको मिल जाएंगे। जितने भी सवाल आपके दोस्तों हैं मतलब GLSL हेडक्वार्टर टीम से रिलेटेड, सारे के सारे जवाब दोस्तों इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो यार वीडियोज के साथ आपको इन तक बने रहना है। बात करेंगे इस टीम कौन सी रहने वाले हैं, सीचेम मदुराई पैंथर्स वर्सेस निलई रॉयल किंग्स के बीच में मैच खेला जाने वाला है। दोस्तों स्टार्ट कब होगा यह मैच, फिलहाल 14 जून इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 3:30 यानी कि दोस्तों दोपहर के बाद। और अगर हम बात करें किस ग्राउंड पे खेला जाने वाला है, इस आपको पता है सेकंड जो दो मैच हुए हैं इसी ग्राउंड पर, मतलब सेम ग्राउंड पे मैच होने वाला है, SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड जो कि कोयम्बेटोर में पड़ता है। अगर हम बात करें इस वेन्यू का जो कि एवरेज स्कोर आपने देखा 157 का रहता है। और आपने भाई देखा है जो हमारी टीम थी जिसमें विजय शंकर, साई सुदर्शन कैप्टन वाइस कैप्टन थे, बाकी सारे इंपॉर्टेंट पिक जो कि हमारी टीम में मौजूद थे गाइस, तो अच्छा प्रॉफिट हमने किया मेरे भाई। तो इस मैच में भी अच्छा प्रॉफिट करने वाले गाइस। आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप यहाँ पर वीडियोज में आ चुके हैं मेरे भाई तो वीडियोज को कंप्लीटली देख लेते हैं। तो भाई आपको बता दूं अगर आप हेड टू हेड खेलते हैं ना तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, अदरवाइज GL खेल सकते, तो भाई आप बहुत ही अच्छी फाइट करने वाले जो कि आपके ऑपोनेंट में टीम आने वाले गाइस। दोस्तों बात करें यहाँ पे क्या क्या कवर करने वाले हैं, मतलब इस वीडियो में आपको बता दूं सबसे पहले देखिए साथ ही बात करेंगे यहाँ पे प्लेइंग 11 के बारे में, दोनों टीम के बैटिंग ऑर्डर के बारे में, बॉलिंग ऑर्डर के बारे में, पिच रिपोर्ट, पिच की कंडीशन के बारे में, प्लेयर का बैटल मतलब प्लेयर मैचअप के बारे में, टीम का हेड रिकॉर्ड्स, एवरी प्लेयर स्टैट्स, हेड टू रिकॉर्ड्स और फेनी रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो ट्रम्प प्लेयर रहेंगे और साथ ही साथ जो बेंच के प्लेयर रहेंगे मतलब अचानक से जो खेलने आ जाते हैं उनके बारे में हम पहले से ही क्लियर कर लेंगे। और दोस्तों GLSL हेडक्वार्टर की टीम और टिप्स एंड ट्रिक भी आपको जो कि मेरा ओपिनियन रहेगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और दोस्तों जो टीम यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले वो विनिंग टीम रहती है आपको पता ही है। अगेन दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा इरिटेट करना चाहूंगा स्टार्टिंग में गाइस, क्योंकि फिलहाल जो हम काम में लग जाएंगे मतलब कि जिस हिसाब से हम अपनी टीम का डिस्कस करेंगे तो फिर वहाँ पे बीच में दोस्तों आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा। दोस्तों देखिए बैट बॉल 11 को डाउनलोड कीजिए, फर्स्ट कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे लो इंटी फी का कंपेरिजन जो कि आप देखते हैं अदर एप्लीकेशन से सबसे बेस्ट है। 525 रुपये का जो मैं बैट बॉल पर खेलता हूँ, आप अदर एप्लीकेशन पर 575 रुपये देते हैं, 50 रुपये मेरी सेविंग है यहाँ पे, 50 रुपये दोस्तों आप बिल्कुल फ्री में मतलब किसी एप्लीकेशन को दे देते हैं। 1599 के जो कॉन्टेस्ट में बैट बॉल पर खेलता हूँ, अदर एप्लीकेशन पर आप 1749 रुपये का वही कॉन्टेस्ट खेलते हैं, 150 रुपए की मेरी सेविंग है बैट बॉल 11 पे, और दोस्तों आपका 150 रुपए बिल्कुल लॉस जा रहा है। तो डाउनलोड कर सकते हैं और भी यहाँ पे इंटी फिगर कॉम्बिनेशन जो कि दोस्तों देख सकते हैं। और भाई मैं तो कहूंगा लोबेस्ट कंपटीशन और लोबेस्ट कमीशन एप्लीकेशन तो डाउनलोड करना चाहिए, आप लोगों को खेलना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट और पिच की कंडीशन इस मैच के लिए, पिच किस प्रकार से हो सकती है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे जो रिसेंट दो मैच खेले गए वो भी मैंने इंक्लूड कर रखे गए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ये वाला मैच और दोस्तों ये वाला मैच। अगेन दोस्तों थोड़ा सा अगर हम बात करें यहाँ पे फिलहाल जो पिच का बिहेवियर कैसा हो सकता है, लास्ट 5 मैच अगर हम देखते हैं टोटल 26 विकेट यहाँ पे दोस्तों गिर चुकी हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे फर्स्ट इनिंग में कितनी विकेट है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों यहाँ पे 15 विकेट है, सेकंड में दोस्तों 11 विकेट, स्पिनर को 34 विकेट है, फर्स्ट इनिंग में 13 विकेट और सेकंड में दोस्तों 21, तो मतलब स्पिनर के लिए यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिल जाता है। तो स्पिनर के साथ भी दोस्तों आप जा सकते हैं पेसर को, बट इग्नोर नहीं करना है। स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं लास्ट 5 मैच का यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब कि 179 तक बना है और उसके बाद यहाँ पे 200 तक का दोस्तों यहाँ पे बन जाता है, 138 का भी बन सकता है और यहाँ पे 157 का भी बना, 236 का, मतलब ये दोस्तों बैटिंग लाइनअप के अकॉर्डिंग भी दोस्तों कुछ मैटर करेगी पिच, मतलब कि जिस हिसाब से बैटिंग लाइनअप टीम का रहेगा। और बाकी यहाँ पे दोनों टीम जो कि फिलहाल कुछ खास रहने वाली नहीं है, यहाँ पे कुछ आपको ऐसे इंपोर्टेंट प्लेयर नहीं मिलने वाले जिन पे दोस्तों आप ज्यादा भरोसा करके जा सके गाइस। ओके तो फिलहाल यहाँ पे पिच मैं यही कहूंगा कि बैलेंसड हो सकती है, यहाँ पे बैलेंसड पिच रहेगी गाइस, तो आप यहाँ पे बॉलर ऑलराउंडर बैट्समैन सभी के साथ ये नहीं रहेगी कि आप सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन पे भरोसा करिए, कैप्टन सिर्फ बैट्समैन को बनाइए, ऑलराउंडर को बनाइए, ऐसा नहीं गाइस, यहाँ पे सभी बेस्ट कर सकते हैं गाइस। तो पिच का बिहेवियर थोड़ा सा मैं बता दूं कि फिलहाल बैलेंसड रहने वाला है। अगेन दोस्तों जो और आफ्टर टॉस अपडेट रहेगा इसमें टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा, ज्यादा टाइम दोस्तों मैं आपका लेता नहीं हूँ। बात करेंगे यहाँ पे दोनों टीम की जो प्रबल प्लेइंग 11 रहने वाले ये आप लोग देख लीजिएगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले सीसीएम मदुराई पैंथर्स के बारे में, यानी कि SMP टीम के बारे में। एस कार्तिक जो कि राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर है, सी हैरी निशांत के साथ दोस्तों ये ओपनिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर है। तीसरे नंबर पर आपको मिलते हैं डी सुथान जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट बॉलर है। सिजित चंद्रन दोस्तों अगर हम बात करते हैं मिडिल ऑर्डर पर आपको बैटिंग करते मिलेंगे, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक है। उसके बाद यहाँ पे वासिंग सुंदर गाइस, या यहाँ पे इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो आके बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन है। और यहाँ पे दोस्तों फिर मिलेंगे आपको जगतीसन कौशिक जो कि राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम पेसर है। एंटोन एंड्रयू जो कि सभी के सन लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, जो कि दोस्तों इसमें मिलेंगे और बॉलिंग कराते नजर आएंगे आपको। मुर्गन अश्विन जो कि लेग ब्रेक गूगली स्पिन बॉलर्स हैं। अजय कृष्णा जो कि आरएम यानी कि राइट आर्म मीडियम पेसर है।
गुरजप्रीत सिंह की बात करते हैं राइट आर्म पेसर है, और वी गौतम की बात करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम पेसर। दोस्तों इस हिसाब से इस टीम की प्लेइंग रहने वाले गाइस, और फिलहाल आप लोग देख लीजिए कि हिसाब से बैटिंग ऑर्डर कौन सा बैट्समैन कहाँ पे बैटिंग करने आएगा, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। ओके बात करते हैं जहाँ पे जो फिलहाल स्पेल कराते हैं बॉलर्स, मतलब कब कहाँ से स्पेल लगा कर आ सकते हैं, बीच में कौन आएगा, स्टार्टिंग में कौन सा बॉलर से दोस्तों आ सकता है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको वी गौतम और यहाँ पे गुरजप्रीत दोस्तों मिल जाएंगे आपको, पावर प्ले में आपको गुरजप्रीत अजय के कृष्ण मिल जाएंगे, डेथ में दोस्तों आपको मिल जाएंगे मुर्गन अश्विन और वी गौतम गाइस। ठीक है, ये फिलहाल आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि दोस्तों जब हम प्लेयर का मैचअप करेंगे तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे नेल्लई रॉयल किंग्स की तरफ। यहाँ पे देखिए इनको आपको ओपनिंग जो कि मिलेगी अरुण कार्तिक और यहाँ लक्ष मेसा सूर्य प्रकाश राइट हैंड बैट्समैन जो कि दोनों ओपनिंग करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे नीतीश रजा गोपाल लेफ्ट हैंड बैट्समैन वन राउंड बैटिंग करने आ सकते हैं। आपको फिर मिलेंगे यहाँ पे पी सुगेंद्रन जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन राइट हैंड पेसर है, फिर सोनू यादव दोस्तों आपको मिल जाएंगे राइट हैंड बैट्समैन राइट हैंड मीडियम फास्ट है, और दोस्तों उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आपको मिलेंगे अश्विन क्रिस जो कि राइट हैंड बैट्समैन राइट हैंड मीडियम पेसर है, एंड दोस्तों उसके अगेन में आपको थोड़ा सा नीचे और मिलेंगे श्री निरंजन आर जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन राइट हैंड मीडियम पेसर है, और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आर मिथुन जो कि राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर है, संदीप बारिया जो कि राइट आर्म मीडियम पेसर है, आपने देखा था फिलहाल ये आईपीएल भी खेल चुके हैं जो कि राजस्थान रॉयल्स है, बट इस मैच में दोस्तों आपने देखा था कि मुंबई से शायद हाँ मुंबई में थे शायद आपने देखा था उनका, बट एक ही मैच जहाँ तक मुझे लग रहा प्ले किया था, अदरवाइज प्लेइंग में शामिल नहीं हुए थे। इन ऐसे जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, और उसके बाद यहाँ पे एम पोईम जोई जो कि राइट आर्म पेसर है। ये फिलहाल बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर इस टीम का है। बॉलिंग ऑर्डर अगर हम बात करें नेल्लई रॉयल किंग्स की तो फिलहाल यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में आपको संदीप वारियर और एम पोईम मोजी जो कि मिल जाएंगे, पावर प्ले में आपको एम पोईम और आर मिथुन, डेथ में आपको अश्विन क्रिस्ट और यहाँ पे संदीप वारियर गैस मिले, मतलब संदीप वारियर यहाँ पे अपने टीम के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहने वाले, स्टार्टिंग में मिलेंगे दोस्तों और आपको डेथ में भी मिल जाएंगे संदीप वारियर गैस। ठीक है, तो बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर दोस्तों हमने क्लियर कर लिया, थोड़ा सा टाइम आपका लग गया होगा बट दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बैट्समैन कौन सा बॉलर कहाँ पे आएगा। दोस्तों ये था प्लेयर मैचअप, आप देख लीजिएगा इस, ठीक है प्लेयर मैचअप आप देख लीजिएगा, ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में बाद करते हैं, कार्तिक का तो नो मैच है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे सी हरीश निशांत को देखिए एन हरीश आउट कर रहे हैं एक बार, सोनू यादव को दोस्तों एक बार आउट, सोनू यादव भी आउट कर रहे हैं हरीश को, सी हरीश को और अश्विन क्रिस्ट भी आउट कर रहे हैं एक बार। उसके बाद सजीत चंद्रन की बात करते हैं, इनको अश्विन क्रिस्ट एक बार आउट कर रहे हैं। वास्तविक सुंदर का दोस्तों मैचअप नहीं, तो कहीं कहीं वास्तविक सुंदर इंपॉर्टेंट रहेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक कर सकते हैं, बाकी रिकॉर्ड देखेंगे। जगदीशन कौशिक की बात करते हैं, इनको पुयम मोजी आउट कर रहे हैं दोस्तों एक बार, और यहाँ पे हरीश भी इनको आउट कर रहे हैं एक बार गाइस। ओके एंड उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नेल्लई रॉयल किंग्स के जो बैट्समैन है उनके बॉलर्स इस टीम के इस प्रकार से आउट कर रहे हैं, अरुण कार्तिक को दोस्तों, मुर्गन अश्विन का आउट कर रहे हैं एक बार, और यहाँ पे एल सूर्य प्रकाश को जो है एक बार आउट कर रहे हैं मुर्गन अश्विन, वास्तविक सुंदर भी दोस्तों यहाँ पे एल सूर्य प्रकाश को एक बार आउट कर रहे हैं। नीतीश राजू गोपाल को बात करते हैं, यहाँ पे गुरजप्रीत सिंह जो कि एक बार गाइस आउट कर रहे हैं, ठीक है ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे जो कि सुगेंद्रन का नो मैचअप है, सोनू यादव का दोस्तों नो मैचअप है, एंड यहाँ पे अश्विन गिस्ट का जो कि दोस्तों नो मैचअप है। तो ये था प्लेयर मैचअप का, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ज़्यादा अगर आप ध्यान देते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप इग्नोर भी करते हैं तो जहाँ तक इस मैच में तो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। अगेन बढ़ते गए आप आगे की तरफ, यहाँ पे दोनों टीम के बीच जो है टोटल चार मैच खेले गए, जिसमें कि अगर हम बात करते हैं मदुरई पैंथर्स जो कि टीम है उसने जो कि दोस्तों यहाँ पे दो मैच विन करें, और फिलहाल जो कि यहाँ पे नेल्लई रॉयल्स किंग है जो कि दो बारी विन करेगा, इसमें मतलब दोनों टीम बराबर की विनिंग कर रही है। एंड रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं नेल्लई रॉयल्स जो कि देखिए पांच मैच में दो पहले विन है फिर तीन लॉस है, एंड उसके यहाँ पे मदुरई पैंथर्स की बात करते हैं दो विन है एक लॉस एक विन और यहाँ पे एक लॉस, तो मतलब कहीं ना कहीं पैंथर्स जो कि कुछ अच्छा कर सकते हैं इस मैच के लिए अकॉर्डिंग टू रिसेंट फॉर्म। एंड अगेन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की बात कर रहे थे कैसे ज्वाइन करेंगे दोस्तों, आपको पता है वहाँ पे आना तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो भाई टेलीग्राम तो फिर आपके लिए कंफर्म हो जाता है, फर्स्ट कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, इस प्रकार से आपको आ जाना है, वहाँ पे आपको फ्री में टीम और फाइनल टीम दोस्तों मिल जाते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको सर्च करके जाना नहीं है, और मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ गाइस, मेरे नाम से कोई पैसे मांगते हैं तो बिल्कुल आपको देने नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर गाइस आपको पता लगातार हम हर मैच में विन कर रहे हैं, अच्छी टीम दोस्तों प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, तो फिलहाल क्या होता है कि स्कैमर जो होते हैं दोस्तों जुड़ जाते हैं चैनल से, ठीक है, तो वो क्या करते हैं हमारे नाम से पैसे मांगने स्टार्ट कर देते लोगों से, तो आपको करना नहीं है ऐसा, कोई भी पैसा मांगे दोस्तों देना नहीं है, और अगर आपसे कोई पैसे मांगते तो यार कमेंट्स में दोस्तों जरूर आप लोग बताइएगा। लेकिन दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है रेगुलरली भाई हर मैच का प्रेडिक्शन वीडियोस देने की कोशिश करता हूँ, साथ साथ आपको T10 मैच भी कवर करता हूँ गाइस। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कैसे करेंगे, वीडियो को नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, फिर दोस्तों आपको बेल का आइकन शो हो जाएगा, वहाँ पे क्लिक करने में दोस्तों आपको ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि दोस्तों नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का और आप लोग देख पाएंगे। अब अगेन दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जो कि टीम का सिलेक्शन कैसे करने वाले, तो फिलहाल देखिए बहुत सारे भाइयों से मैंने पूछा था कि जो फॉर्मेट हमारा ये वाला है
किस प्रकार से आपको अच्छा लगता है कि मतलब सीरियल वाइज सीरियल टीम का अच्छा रहेगा कि यहाँ पे जैसे कि मैं सेक्शन बाय सेक्शन समझाऊंगा, तो गाइस बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि सेक्शन बाय सेक्शन बेस्ट है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे किया गाइस, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपके लिए भाई यहाँ पे बैठा हूँ, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा होगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन जो कि आपको मिलेंगे मदुरई पैंथर की तरफ से, तो फिलहाल यहाँ पे देखिए आपको मिलेंगे एस कार्तिक, जो कि रिसेंट अगर आप देखते कुछ खास नहीं, बैटिंग भी बहुत कम मिलती है, हेड टू हेड इनको दोस्तों पहला ही मैच होगा। नेलई रॉयल किंग्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपको मिलेंगे ए कार्तिक, यानी कि एस कार्तिक ए कार्तिक दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपर ये भी है रिसेंट, देखिए 21-0-34 हेड टू हेड का पहला मैच होगा दोस्तों ग्राउंड पे, एक मैच 13 रन है, तो आप यहाँ पे नेलई रॉयल किंग्स दोस्तों की है ए कार्तिक को टीम में अपने लेकर जा सकते हैं, उनका देखिए बैटिंग भी नहीं मिली और साथ साथ दोस्तों आउट ऑफ फॉर्म भी है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे बैटिंग सेक्शन जो कि दोनों टीम का रहने वाले, किन किन प्लेयर को हम अपने टीम में रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए सबसे बात करेंगे मदुरई पैंथर्स की तरफ से, जो कि आपको मिलेंगे बैटिंग सेक्शन से प्लेयर सी हरीश निशान, जो कि रिसेंट 26-0-33-0-1 हेड टू हेड दोस्तों 2 मैच में 39 रन है, 19 से बैटिंग करते हैं इस ग्राउंड पे, 1 मैच में 1 रन है गाइस, तो कंसिस्टेंट है नहीं, बट यार देखिए इनको टीम से ड्रॉप करना ये हो जाएगा कि अपनी टीम को लॉस की तरफ भेजना गाइस, क्योंकि ये देखिए बैटिंग भी ठीक ठाक नंबर पर करते हैं और साथ साथ इनका रिकॉर्ड भी मतलब कहीं ना कहीं 20 से 25 रन आप इनसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, इतना तो ये बंदा बना करके आपको जरूर देगा, तो यार टीम में ऑब्वियसली आपके होना चाहिए। एंडी उसान की बात करते हैं, जो कि डी सुदान देखिए 24-10 हेड टू हेड का विनिंग का पहला मैच होगा, बट ये भी देखिए कंसिस्टेंट हेड टू हेड में आप लेकर जाइएगा जीएल से दोस्तों, जहां तक मैं ड्रॉप कर सकता हूँ गाइस। सुजीत अगर चंदन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे बैटिंग इनको मिलती नहीं है, बैटिंग थोड़ा सा डाउन है गाइस, हेड टू हेड में 1 मैच है जिसमें 3 रन है, ग्राउंड पे 4 मैच में 37-12 करके बैटिंग करते, तो यार आपको क्या करना है, सुजीत चंद्रन को ड्रॉप करके जा सकते हैं। देखिए ये मैच भाई कमाने वाला मैच है, क्योंकि यहाँ पे सभी को इस प्रकार से एनालिसिस मिलने वाले नहीं है, आपको बताऊंगा और वो यूज कैसे करना है वो आपको मैं खुद बताता हूँ, अदरवाइज आप अपना स्किल थोड़ा सा यूज करिएगा, सब कॉम्बिनेशन बढ़ाइए और अच्छा विन करिएगा। देखिए बात करते हैं नेलई रॉयल किंग्स की तरफ, जो कि आपको मिला है बैटिंग सेक्शन से प्लेयर सूर्य प्रकाश, जो कि रिसेंट 25-19-45-18-28 गज इनका परफॉर्मेंस है, तो कहीं ना कहीं देख रहे बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, मतलब इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, और उसके बाद यहाँ पे 2 मैच सामने वाली टीम के गेस में, यानी कि मदुरई पैंथर के गेस में उन्होंने खेला, 36 रन बनाए और 36 के उससे बैटिंग करते हैं, नॉट आउट रहे हैं इस ग्राउंड पे, 3 मैच में 71 रन है, 23 के उससे बैटिंग करते हैं, तो कंसिस्टेंट है गाइस, इनको आप लेकर के अपनी जरूर टीम में जाइएगा और साथ ही साथ दोस्तों इनको जीएल में तो पक्का आपको पिक करना है, ट्राई भी करना है। लेकिन दोस्तों देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन की अभी बात करेंगे आगे, क्योंकि मैं सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पे बताऊंगा, रिस्क वाले तो आपको पता है टेलीग्राम चैनल में बताता हूँ कि किनके किन ऊपर रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं एन राजगोपाल की, देखिए रिसेंट 9-0-1-1-9 दोस्तों आउट ऑफ फॉर्म है, हेड टू हेड में 1 मैच इसमें 0 रन है, इस ग्राउंड पे 2 मैच में दोस्तों 2 रन है, ये भी आउट ऑफ फॉर्म है, गोपाल को आप ड्रॉप करके जा सकते हैं, सिलेक्शन हाई रहेगा जेल से ड्रॉप करिए, हेड टू हेड में आप पिक कर सकते हैं। अगेन दोस्तों बात करें यहाँ पे सुगिन दिनन की, तो फिलहाल देखिए रिसेंट इनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, एक यहाँ पे बैटिंग नहीं, यहाँ पे दोस्तों बैटिंग तो कुछ खास नहीं, यहाँ पे 20 रन हेड टू हेड में 1 दोस्तों, यहाँ पे अगर हेड टू हेड दोस्तों पहले मैच होगा ग्राउंड पे इनका पहले मैच होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो कि सुगिन दिनन को भी दोस्तों ड्रॉप करके जा सकते हैं, ऑनली अभी यहाँ पे एल सूर्य प्रकाश को रखेंगे। अगेन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जाते हैं यहाँ पे फिलहाल बैटिंग सेक्शन के आगे ऑलराउंडर सेक्शन जो कि रहने वाले दोनों टीम का, और कौन से बेस्ट प्लेयर जो कि रहेंगे हमारे, जो कि ट्रंप पिक रहेंगे और साथ साथ हमारे यूनिक टीम में शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मदुरई पैंथर्स टीम के बारे में, बात नहीं सुंदर जो कि आपको मैंने बताया कि कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक हो सकते हैं कि नहीं, रिसेंट अगर हम देखते हैं तो फिलहाल उतना ज्यादा एडवांटेज इनको देखने को नहीं मिला था गाइस, बट लास्ट वाला 24+3 विकेट है, हेड टू हेड का पहला मैच होगा दोस्तों वेन्यू में पहला मैच होगा, देखिए स्पिन ये कराएंगे, स्पिनर रहेंगे और स्पिनर के फ्रेंडली अकॉर्डिंग पिच रहेगी, और फिलहाल जहां तक मुझे लगा ये आपको स्पिन 3 से 4 कराते नजर आएंगे, जैसे वास्तविक सुंदर को हमने सॉरी विजय शंकर को कैप्टन किया था, वाइस कैप्टन भी किया था, और साथ साथ आपने देखा स्पिन भी कराया उन्होंने और बैटिंग भी ठीक ठाक नंबर थी गाइस, 2 विकेट लेकर गए, बट जो है खास करके बैटिंग उतनी अच्छी हो नहीं पाई, बट दोस्तों इनको फिर आपसे टीम में रखना है, कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक दोस्तों आपको करना है यहाँ पे इनको, वास्तविक सुंदर को चाहे वो जीएल चाहे दोस्तों हेड टू हेड हो। अगर हम बात करें यहाँ पे जगदीश कौशिक की गाइस, तो फिलहाल देखिए रिसेंट 2 विकेट 0 फिर 2 फिर 1 फिर 2, ये बढ़िया कंसिस्टेंट बॉलर्स रहेगा, बट हेड टू हेड बहुत ही खराब है, क्योंकि 2 मैच दोस्तों 0 ही रन है और 23 रन 11 के से बैटिंग करते हैं, इस ग्राउंड पे 1 मैच 3 रन है, 0 विकेट है गाइस। अगर हम रिसेंट के अकॉर्डिंग जाते तो रख सकते हैं, सिलेक्शन थोड़ा सा कम रहेगा, बाकी दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रख लीजिएगा, ओके रख सकते हैं। एंड अगेन दोस्तों यहाँ पे एंटर एंड्रोस सभी किशन की बात करते हैं, सभी किशन की बात करते हैं 2 26+2 फिर 35+2 46+0 36 हेड टू हेड होने का दोस्तों पहले मैच होगा, इस प्लेयर को भी आपको टीम में लेकर चलना है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, वास्तविक सुंदर और यहाँ पे एंटर एंड्रो का दोस्तों आप जो है फिलहाल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन का, ओके। और फिलहाल जहां तक अब इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे तो फिर मैं यहाँ पे इनको ड्रॉप करने के लिए सोचूंगा, ये बता रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि देखिए मैंने रिसेंट के अकॉर्डिंग बताया कि आप इनको जीएल में भी रख सकते हैं, बट आपके पास ऑप्शन यहाँ पे भी मिल रहा है, तो यार इनको आप ड्रॉप करके भी जा सकते हैं, क्योंकि हेड टू हेड और वेन्यू के अकॉर्डिंग
लेकिन दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे नेलई रॉयल किंग्स की तरफ, जो कि आपको प्ले मैंने सोनू यादव अश्विन क्रिस्ट। अगर हम बात करें सोनू यादव की, देखिए ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे, 29 बल्ले 0, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 13 बल्ले 2, यहाँ पे 1 विकेट गिरे। पर थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर आपने देखा मिडिल ऑर्डर पे, और जहां तक मुझे लग रहा है मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग करेंगे और थोड़ा सा टॉप पर भी आ सकते हैं। हेड टू हेड एक मैच में 9 रन 0 विकेट है, ग्राउंड पर 2 मैच 26 रन 3 विकेट गिरे। ये भी अच्छी पिक रहेंगे आपकी टीम में रहने के लिए, और होप यहाँ पे हमने दोनों का कॉम्बिनेशन किया एक टीम में, जैसे कि यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये भी ऑप्शन रहेंगे, ये आपको मैं कुछ पिक बता रहा हूँ कि कैसे कैप्टन वाइस कैप्टन का, कि मतलब ये पिक हो सकते हैं, मतलब आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं सुंदर के साथ इनका भी, और जो कि यहाँ पे एंटन एंड्रयू का सुंदर के साथ करते हैं, एंटन एंड्रयू का जो कि सोनू यादव के साथ भी दोस्तों कर सकते हैं, ये मैं आपको पिक बता रहा हूँ। ओके गाइस, लेकिन यहाँ पे आपको अगर बात करें अश्विन क्रिस्ट की, तो फिलहाल देखिए इनका भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, 3 विकेट 3 विकेट 0 1 2। हेड टू हेड की बात करते हैं 3 मैच 21 रन 4 विकेट इस ग्राउंड पर 3 मैच है दोस्तों, 3 विकेट है, अच्छा कंसिस्टेंट प्लेयर रहेगा दोस्तों। फिर आपको अश्विन क्रिस्ट को भी अपनी टीम में जरूर लेकर जाना है। निरंजन आर की बात करते हैं, देखिए 34 1 1 विकेट यहाँ पे 47 प्लस 1 18 रन प्लस 3 विकेट, बहुत ही कंसिस्टेंट भाई यहाँ पे 1 विकेट यहाँ पे हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट है, 47 रन बनाए, बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, 2 मैच इस ग्राउंड पे 2 मैच 39 रन है, 19 करोड़ से बैटिंग करते हैं 1 विकेट। ये भी आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक रहेंगे, देखिए अभी तक फिलहाल हमने 4 प्लेयर ऐसे देखे जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक हो सकते हैं। देखिए ये वाला दोस्तों ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये पहले हमारे हो गए और दूसरे ठीक है, तीसरे गए उसके यहाँ पे हमारे जो है हाँ यहाँ पे ये आपके निरंजन गए, हाँ ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे अश्विन क्रिस्ट आपके, ये आपके चौथे जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन गाइस हो गए, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी आपके निरंजन भी ठीक ठाक रहेंगे, इनको टीम में आपको जरूर रखना है, इग्नोर नहीं करके जाना गाइस। एंड यहाँ पे देखिए आपने देखा था नीलैंड रॉयल किंग को हमने जो बैटिंग लाइन है गाइस वहाँ पे ऑनली सिर्फ एक प्लेयर को पिक किया था ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें ऑलराउंडर कम से कम 203 इस टीम पे जरूर रखने हैं, जिस हिसाब से इनका रिकॉर्ड है और बैटिंग लाइनअप है उसके अकॉर्डिंग। आर्मी तो उनकी बात करते हैं तो आउट ऑफ फॉर्म है, उतने अच्छे विकेट भी नहीं है, और हेड टू हेड दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1 मैच में 1 विकेट ग्राउंड पे इन्होंने मैच खेला नहीं, तो आर्मी तो को आप ड्रॉप करके जा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा, कन्फ्यूज नहीं होना गाइस, जैसे कि मैं बताया कि नीलैंड रॉयल किंग्स ने बैटिंग सेक्शन से एक प्लेयर को रखा था, तो इसलिए हमने 203 जो कि यहाँ पे इनका रिकॉर्ड अच्छा है, इन तीनों को दोस्तों हम अपनी टीम में लेकर के जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए वास्तव सुंदर को रखेंगे, फिर एंड्रयू डॉ को कम से कम 5 ऑलराउंडर का हम रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जैसे बैटिंग सेक्शन यहाँ पे प्लेयर आ जाते हैं, बाकी तो ऑलराउंडर है, अगर बैटिंग सेक्शन से जाते हैं तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा सोचेंगे, वो आफ्टर टॉस आपको मैं अपडेट दे दूंगा गाइस। बट आपको 5 जो कि मैंने फाइनली बताया गाइस प्लेयर, तो आपको ऑलराउंडर में जरूर रखना है, ये ध्यान रखना गाइस। एंड यहाँ पे बात करते गाइस यहाँ पे मदुरई पैंथर्स के बॉलर्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे मुर्गन अश्विन जो कि आपको मिलेंगे आउट ऑफ फॉर्म है, 5 मैच दोस्तों ऑनली 3 ही विकेट है, हेड टू हेड 2 में 1 विकेट है, ग्राउंड पे 2 में दोस्तों 0 विकेट, उतना खास नहीं है, बट ये नाम की वजह से दोस्तों सभी के टीम में रहेंगे, आपको बता हाईएस्ट नाम वाले प्लेयर हैं तो इसलिए सभी के टीम में रहेंगे। बट मैं आपको कहूँगा यार ड्रॉप करके आप जा सकते हैं मुर्गन अश्विन को। अजय कृष्णा की बात करते हैं, देखिए 0 1 0 1 3 विकेट, हेड टू हेड 1 मैच दोस्तों 0 है, ग्राउंड पर 2 में 1, तो इतना ज्यादा कंसिस्टेंट ये भी नहीं रहेंगे दोस्तों, इन पर भी कम भरोसा करेंगे। बाकी बात करेंगे यहाँ पे गुरजनप्रीत सिंह की, दोस्तों 0 3 1 0 0 0, हेड टू हेड में 1 मैच दोस्तों 0 है, और ग्राउंड में तो पहला ही मैच होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ आउट ऑफ फॉर्म ही प्लेयर दोस्तों यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन से हमें मिल रहे हैं, मतलब कि मदुरई पैंथर से। अगर हम बात करें बी गौतम की, देखिए 0 2 1 2 पहला यहाँ पे दोस्तों बॉलिंग और बैटिंग नहीं, यहाँ पे फिलहाल 1 मैच 0 विकेट हेड टू हेड में, इस ग्राउंड पे पहला ही मैच होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे मदुरई पैंथर से जो कि आपको बॉलिंग सेक्शन से मिले उतने खास प्लेयर नहीं मिले, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको रिस्क लेना है तो किसी एक प्लेयर को उठा सकते हैं गाइस। बाकी यार मैं तो कहूँगा ना कि यहाँ पे सभी को लेकर ऐसा कुछ नहीं गाइस, ओनली एक प्लेयर को आप अपनी टीम में रख सकते हैं। उसके बाद नीलई रॉयल किंग्स की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे जो आपको बॉलिंग सेक्शन प्लेयर मिले संदीप आर्य, देखिए अच्छे कंसिस्टेंट है सभी मैचेस में, विकेट रिसेंट 1 विकेट 2 2 1, हेड टू हेड 2 में 2 है, इस ग्राउंड पे दोस्तों 2 में 0, मतलब यहाँ पे हेल्प इनको कम मिल रही है। बाकी गाइस यार सिलेक्शन करेंगे हेड टू हेड और वेन्यू के अकॉर्डिंग, सॉरी रिसेंट के अकॉर्डिंग, इनको आप टीम में रख सकते हैं। एंड हरिस की बात करते गाइस, देखिए ये भी आउट ऑफ फॉर्म है, 4 मैच इन्होंने बॉलिंग करी जिसमें कि 3 विकेट है, बट यार हेड टू हेड बहुत कंसिस्टेंट, 4 मैच 5 इस ग्राउंड पर 3 में 3 विकेट है, ये प्लेयर भी आपके टीम में होना चाहिए और अच्छी फॉर्म में है गाइस। देखिए अब यहाँ पे देखिए बात करूँ नीलई रॉयल किंग्स का, जो कि भाई बॉलिंग और ऑलराउंडर सेक्शन बहुत ही गजब है, यहीं से टीम अगर विन करती गई तो यहीं से विन करेगी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे पूजा मुंजोगी दोस्तों, देखिए 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 और यहाँ 2 हेड टू हेड दोस्तों 3 मैच 3 विकेट है, ग्राउंड पे पहला मैच होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो बॉलिंग सेक्शन से 3 प्लेयर मिल रहे हैं तो बहुत ही कंसिस्टेंट बॉलिंग करा कर अच्छा फॉर्म है, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन की बात करते गए तो देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे तो हम यहाँ पे संदीप आर्य को तो रखेंगे, बट सभी टीम में ये भी नहीं रखना क्योंकि वेन्यू पर खराब है, इन 2 में से दोस्तों किसी एक को आप पिक करके जाएगा, बट दोनों को अगर आप रखना चाहें तो फिर यहाँ पे संदीप आर्य को आपको ड्रॉप करना होगा गाइस। अगेन आगे बढ़ेंगे गाइस, और फिलहाल जो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बेंच रहने वाले दोनों टीम का वो जान लेते हैं। मदुरई पैंथर्स के तरफ से अगर कोई प्लेयर आते हैं गाइस तो अचानक से, तो उनके बारे में आपको जानना समझना जरूरी होगा, बट उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। रिसेंट देखिए क्रिस जैन और यहाँ पे क्रिशन स्वप्निल सिंह बालू सूर्य, कुछ खास नहीं गाइस, ड्रॉप करके हम जाएंगे अगर कोई भी प्लेयर यहाँ पे आता है। लेकिन आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नीले रॉयल किंग्स के बेंच प्लेयर के बारे में बात करते हैं, इस टीम पे जो रहने वाले जी अतीश, ये भी कुछ ठीक नहीं है बट ग्राउंड पे बढ़िया है, बैटिंग ऑर्डर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अरुण कुमार जो कि 1 विकेट रिसेंट ठीक है, और यहाँ पे सबसे अच्छे प्लेयर अगर यहाँ पे कोई आता है दोस्तों कार्तिक मनिक नंदन दोस्तों, ये आते हैं तो फिर यहाँ पे ग्राउंड पे बढ़िया बॉलिंग कराते हैं 1 में 3 विकेट, तो इनको हम टीम में रखने के लिए जरूर सोचेंगे।
एस मोहन प्रशांत की बात करते हैं, रिसेंट देखिए कंसिस्टेंट है, एक एक विकेट मिल जाती है, हेड टू हेड के लिए ठीक है। हेड टू हेड धोनी के हिसाब से सामने वाली टीम भी गई, इसमें 5 मैच में 9 विकेट है, जिन्होंने 3 में 3 विकेट। तो मतलब दोस्तों ये टीम का बेंच भी बढ़िया है, यहाँ पे देख सकते हैं एस मोहन प्रशांत और यहाँ पे कार्तिक मणिकंदन, ये आपकी टीम में दोस्तों अगर आते हैं तो रख सकते हैं। यहाँ पे जीएतएस भी ठीक ठाक रहेंगे, बट इनके बैटिंग ऑर्डर दोस्तों क्लियर करेंगे। स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, अगेन आफ्टर टॉस दोस्तों आपको जो अपडेट मिल जाएंगे। बैट बॉल एलेवन पे दोस्तों क्यों खेलेंगे मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सलेंट कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है, एंट्री फ्री जो कि सबसे लो रहती है, ग्रेट डिपॉजिट ऑफर दोस्तों, डेली फ्री गिवेस, इंस्टेंट विड्रॉल, डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे लूडो खेल करके भी और भी बहुत सारे गेम खेल करके दोस्तों पैसे आप कमा सकते हैं आसानी से, और बहुत सारे मेरे भाई लोग जो हैं टेलीग्राम पर ज्वाइन गए वो आसानी से यहाँ पे विन भी कर रहे हैं। टीम सिलेक्शन की बात करते गए, यहाँ पे देखिए मैं आपको ओनली डेमो टीम दिखा देता हूँ, कन्फर्म तो आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों जो है मिलने वाली है। बड़े यहाँ पे दोस्तों टीम की तरफ देखिए, आपको वसिंग सुंदर की बात करते हैं, कैप्टन किया है यहाँ पे सोनू यादव को हमने वाइस कैप्टन किया है। मुर्गन रश्मि देखिए मैंने समझाने के लिए आपको रखा कि हाईएस्ट सिलेक्शन वाले प्लेयर है सबके, क्योंकि यहाँ पे नाम कर दोस्तों उसको सभी रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए संदीप वारियर को रखा है, एन हैरिस को रखा है, एल्टिस को हमने रखा है, चंद्रन को और यहाँ पे सुदान को और सूर्य प्रकाश को गई, हैरिस नीज को और यहाँ पे कार्तिक को गई। ये फिलहाल अभी मेरे डेमो टीम है, आपको पता है ऑप्टर टॉस वाली टीम बिल्कुल मतलब धमाकेदार होती है, अच्छा विन कराती है, जैसे कि आपने रिसेंट देखा है टीएनपीएल के जितने भी मैचेस हुए एक दो, तो इस टीम का भी कन्फर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर ही करने गए। होप आपको वीडियोज पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, चले छोड़ में जाए। जय भारत।